नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप सभी के साथ फिर बहुत टाइम बाद एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दोगे और बहुत ज़्यादा शेयर करोगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खास करके सर्दियों के टाइम के लिए। सर्दियों में अगर ये तीन प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वो प्रॉब्लम आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसे आप यूज़ कीजिएगा। सबसे फर्स्ट जो है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन पे ग्लो नहीं रहता है, स्किन पे शाइन नहीं रहती है और स्किन पे दाग धब्बे जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और आपके स्किन पे सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जैसी निकलने लगती है बहुत सारे मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद भी, अगर वो प्रॉब्लम से आपको छुटकारा नहीं मिलता है तो ये रेमेडी ज़रूर आज अप्लाई कीजिएगा आज से कुछ टाइम तक के लिए और आप देखेंगे आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है, अगर आपके स्किन पे ग्लो नहीं है, स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, जैसे कि सर्दियों में स्किन का कलर बहुत ज़्यादा लोगों का डल हो जाता है, स्किन पे शाइन नहीं रहती है, स्किन बहुत ही ज़्यादा मुरझाई हुई लगती है, भले आपका कलर फेयर था लेकिन सर्दियाँ आते आते आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है अगर डल हो जाता है, वो उसके बहुत ज़्यादा अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर आप सही तरीके से पानी नहीं पीते हैं, आप जो प्रोटीन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है जिन प्रोटीन्स की वो आप नहीं ले पाते, तो उस वजह से जो है सर्दियों में बहुत से लोगों का कलर कॉम्प्लेक्शन जो है डल हो जाता है या फिर सही तरीके से स्किन की केयर ना करने के कारण भी आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है। तो आज तो मैं केवल ये बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्किन की केयर करें जिसकी वजह से आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है वो वापस से निखर कर आए। थर्ड जो सबसे मेन प्रॉब्लम है और वो खास करके 25 प्लस के लोगों को होने लगती है, जो उनकी एज 25 से 26 साल या 25 से 40-50 साल के बीच में है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अगर आपके स्किन पर रिंकल्स नहीं है तब भी आपके स्किन पर रिंकल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है, बिकॉज आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपके स्किन पर ग्लो नहीं रहता है और आपके जो स्माइल लाइन रिंकल्स है, आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है। अभी मेरे कुछ टाइम पहले खुद बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए थे, रात में ज़्यादा टाइम तक फ़ोन चलाना या फिर टीवी के सामने ज़्यादा देर तक बैठना, टीवी देखते रहना, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है जब भी कोई चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा आदत कर लेते हो अपनी या ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हो, जैसे कि टीवी देखना, रात को दो दो तीन तीन बजे तक जागना, तो उसके बाद जो है आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होना आम बात है। लेकिन आप कुछ चीज़ें यूज़ कर अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले तो आप अपनी वो आदत छोड़ दो जो दो तीन बजे तक रात के जागना उल्लुओं की तरह है, जैसे कि मेरी खुद की थी, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा कम किया है, एकदम से पूरी आदत ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचो कि आप एक दिन रात में दो बजे तक सालों से सो रहे हो और अचानक से आप सोचो कि आप रात के 10 बजे ही सो जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको धीरे धीरे कम करना होगा। अगर आप 2 बजे सोते हो तो आप पहले 1 बजे रात में सोने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद 12 बजे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके आप अपना टाइम जो है वो कम करते जाइए, तब वो आदत आपकी छूट जाती है। जैसे आज का वीडियो बहुत ही खास है, खास करके ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि ड्राई स्किन मेरी खुद की है और उसको कैसे पैम्पर मैं करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी स्किन यानी कि ऐसा नहीं है कि ड्राई है, मेरी स्किन सर्दियों में ड्राई हो जाती है और गर्मियों में ऑयली हो जाती है, तो भर भर के ऑयल निकलता है मेरी स्किन से, तो मौसम के अकॉर्डिंग मेरी स्किन वैसी हो जाती है। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो आज हम फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल है तब भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले इसे ना यूज़ करें, ठीक है। और वैसे भी सर्दियों में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, चाहे आपकी गर्मियों में आपकी स्किन से कितना भी ऑयल निकलता हो, आपकी स्किन कितनी भी ज़्यादा ऑयली हो, लेकिन सर्दियाँ आते आते जो है हम सभी की स्किन जो है हल्की फुल्की ड्राई हो ही जाती है, तो मेरे साथ तो वही प्रॉब्लम है। और मैं तो चलिए हम अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले रुद्र को थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं, नहीं तो ये वीडियो बनाने नहीं देंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ें ली थी अभी मॉल से, ये बहुत ही प्यारा एक पूरा सेट है, अगर आप DIY करते रहते हैं फेस पैक
बनाते रहते हैं होम रेमेडी वगैरह, तो बहुत ही अच्छा ही ब्रश मिल जाता है, स्पून मिल जाते हैं मेजरमेंट के लिए, और ये जो मेकअप रिमूवर है वो मिल जाता है, प्यारी सी क्यूट सी कटोरी मिल जाती है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और आज भी इसी में आपको जो ये फेस पैक है वो बना के दिखाने वाली हूँ। अगर ऐसी कोई चीज़ लेते हैं ना तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि यार जल्दी से रेमेडी बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये कटोरी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी है और इसमें हम डाल रहे हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको 2 चम्मच के करीब लेना है और मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही इसमें यूज़ करना है, क्योंकि मैंने जब इस रेमेडी को यूज़ किया है जब से तब से मैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल आपके स्किन को अंदर से नरिश करता है, स्किन से दाग धब्बे ख़त्म करता है और स्किन को अंदर से मॉइस्चराइजिंग भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं हनी, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स नहीं है तो हनी बेस्ट है आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, स्किन पे दाग धब्बों से फाइट करने के लिए। थर्ड जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आप सभी जानते हैं कि कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है, इसमें खास तरीके का कोकोआ बीज होता है जो स्किन को ब्राइटन अप करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मार्केट में तरह तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अब कॉफ़ी के मिलने लगे हैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है ये आंवला जूस। आंवला जूस आपको इजीली निकल जाएगा, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही सेपरेट करके रखा हुआ था। आंवला जूस हमने करीब 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड करना है और ये आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए रामबाण नुस्खा है। अगर आप इस फेस पैक को अप्लाई करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपके कलर कॉम्प्लेक्शन तो फेयर होगा ही, आपके स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है और स्किन के साथ साथ आपके आँखों के नीचे अगर बहुत ज़्यादा काले घेरे हो चुके हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरे भी बहुत टाइम पहले हो गए थे अभी कुछ टाइम से, और मैंने इस रेमेडी को यूज़ किया और मुझे चमत्कारी रिजल्ट मिला इसका। 1 वीक के अंदर मेरे जितने भी डार्क सर्कल थे आँखों के नीचे, एकदम काले घेरे हो गए थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो डेफिनेटली आप इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आपकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा काले घेरे हो गए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, स्किन पर रौनक नहीं है, स्किन पर ग्लो नहीं है, तो इस फेस पैक को ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इसे अप्लाई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक ऐसा फेस पैक है जो इंस्टेंटली आपके स्किन पे ग्लो ऐड करता है और आप इसे कुछ दिन लगातार यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। और जो खास करके टैनिंग वगैरह हो जाती है, सर्दियों में धूप में बैठते हैं, गर्मियों में हम जाते हैं बाहर तब भी हमारे टैनिंग हो जाती है, तो वो पूरी सालों की आपकी टैनिंग जो है ना पूरी रिमूव कर देता है। कुछ ही दिनों आपको इसे यूज़ करना है, रेगुलर भी आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। 1 वीक तक अगर चाहें रेगुलर यूज़ करना तो आराम से कर सकते हैं, या फिर वीक में 2 से 3 बार आपको इसे डेफिनेटली यूज़ करना ही करना है अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। तो ये नहीं कि आज आपने यूज़ किया इसको और फिर 2 महीने बाद आपको याद आया इस फेस पैक का तो आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको इसे रेगुलर यूज़ करना है और उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से क्लीन कर देना है अपने फेस को और आप इसका रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। तो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, फर्स्ट टाइम में आपकी स्किन पे शाइन ऐड हो जाती है और आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाता है। जब आप इसे टच करेंगे ना तो आपकी स्किन खुद इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकेंगे।